दोस्तों, चंद्रयान की लैंडिंग के बाद 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि कर दी है। हालांकि इन स्पेस के चेयरमैन पवन के गोनका ने बुधवार देर रात ही प्रज्ञान रोवर की रैंप से बाहर निकलते हुए तस्वीर शेयर की थी। इसरो ने अपने ट्वीट में कहा, रोवर प्रज्ञान की सभी एक्टिविटी तय समय पर हो रहे हैं, पूरा सिस्टम नॉर्मल चल रहा है, लैंडर मॉड्यूल, पेलोड अल्सा, रैम्भा और चेस्ट चालू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो रोवर में इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, अल्सा, रैम्भा और चेस्ट, आखिर ये इंस्ट्रूमेंट चंद्रमा पर जाकर कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं और किस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल को खोला। ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीज़ों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर अगले 12 दिनों में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हुए हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज करने में मदद करेंगे। अगले 12 दिनों के दौरान रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसे चांद की सतह पर लैंड करने में 41 दिन लगे। लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सक्सेसफुल हो गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 हिस्से हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। इन पर कुल 6 पेलोड लगे हुए हैं। एक पेलोड है जिसका नाम है सेप। वो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल पर लगा हुआ है। यह चंद्रमा की कक्षा में रहकर चक्कर लगाकर धरती से आने वाले रेडिएशन की जांच कर रहा है। वहीं लैंडर पर 3 पेलोड लगे हुए हैं, रैम्भा, चेस्ट और अल्सा। वहीं प्रज्ञान की बात करें तो प्रज्ञान पर 2 पेलोड लगे हुए हैं, रैम्भा प्लाज्मा के घनेपन और समय के साथ इसमें हुए बदलावों का पता लगाएगा। चांद पर वातावरण नहीं है इसलिए सूर्य के रेडिएशन लगातार इस पर पड़ते रहते हैं। इससे चांद की मिट्टी जल गई है और उसमें गन पाउडर जैसी गंध आती है, इसलिए प्लाज्मा का अध्ययन किया जा रहा है यानी चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चंद्रमा के ध्रुव की सतह पर तापमान का अध्ययन करेगा। वहीं बात करें अल्सा की तो यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप को मापेगा, चंद्रमा की ऊपरी और अंदर वाली सतह की बनावट का अध्ययन करेगा। वहीं हमारे प्रज्ञान रोवर में 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जिसमें एक का नाम है APXS और दूसरे का नाम है LIBS। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चांद के मिट्टी और चट्टानों में एलिमेंटल कंपोजिशन को मापेगा यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप चांद की सतह के केमिकल कंपोजिशन और मिनरल कंपोजिशन के स्टडी करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग कराई गई थी जिसमें चांद पर पानी के बारे में पता चला था। फिर 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा था लेकिन वो बदकिस्मत से लैंड नहीं कर पाया था। 2023 में चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया है। चांद पर सकुशल पहुंचने का संदेश भी चंद्रयान 3 ने भेज दिया है। चंद्रयान ने कहा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। आपको बता दें कि इसरो ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शाम 5:44 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया था। अगले 20 मिनट में सफर पूरा किया गया। चंद्रयान 3 ने 40 दिन में 21 बार पृथ्वी और 120 बार चंद्रमा की परिक्रमा की। चंद्रयान ने चांद तक 384,000 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 55,00,000 किलोमीटर की यात्रा की। चंद्रयान ने चांद की सतह पर लैंड करने के लिए 4 फेज का इस्तेमाल किया जिसमें पहला है रफ ब्रेकिंग फेज। इसमें लैंडर लैंडिंग के साइट से 750 किलोमीटर दूर था और ऊंचाई 30 किलोमीटर और रफ्तार 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। यह फेज 11:30 तक चला था। इस दौरान लैंडर विक्रम के सेंसर कैलिब्रेट किए गए थे। लैंडर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.4 किलोमीटर की दूरी तक लाया गया था। वहीं दूसरा फेज है एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज। यह फेज 175 सेकंड तक चला जिसमें लैंडर की स्पीड 0 हो गई। विक्रम लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल कर दी गई थी जिसके बाद सतह से विक्रम लैंडर की ऊंचाई करीब 1 किलोमीटर की रह गई। वहीं अगला फेज था टर्मिनल डिसेंट। इस फेज में लैंडर को करीब 150 मीटर की ऊंचाई तक लाया गया था।
सब कुछ ठीक होने पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद पर कदम तो रख ही चुका है, लेकिन इसके साथ ही अब वो अपने काम पर भी जुट चुका है। हमारा रोवर फिलहाल अभी विक्रम लैंडर से 100 मीटर की दूरी पर है, जो अपने काम में लगा हुआ है, और इस काम का रिजल्ट हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि हमारा प्रज्ञान रोवर चांद पर पानी ढूंढ पाता है या नहीं। वैसे देखा जाए तो हमारा इसरो वही स्पेस एजेंसी है जिसने सबसे पहले चंद्रमा पर पानी होने के सबूत ढूंढ निकाले थे। ऐसे में दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारा प्रज्ञान रोवर बहुत जल्द हमें खुशखबरी देने वाला है। अब देखना यह है कि ये खुशखबरी कब मिलती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, कब तक हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर पानी ढूंढ निकालेगा, कितने दिनों बाद? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।